हाय नमस्कार, मैं आपकी होस्ट गीतिका पंत आपका अमरुजला.com में स्वागत करती हूँ। बाहर मौसम ना एकदम ऑसम हो रखा है और ऐसे में हमारे ऑफिस की एक कुलीग ने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबियाँ ले आई, तो भाई मेरा तो दिन बन गया। आप भी बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए और मौसम का आनंद उठाइए, लेकिन शो देखने के बाद। तो आज की सबसे पहली खबर आलिया भट्ट पर। ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जा रही है। फिल्म को लेकर लोग अलग अलग तरह के रिव्यूज दे रहे हैं, लेकिन आलिया मानती हैं कि रिव्यू पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हर इंसान की अपनी सोच होती है और फिल्म रिलीज के बाद उसके बस से पता चलता है कि वो हिट होगी या फ्लॉप। उन्हें नहीं जानना कि क्या हो रहा है। फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। बॉलीवुड फिल्मों के पड़े सूखे को इस फिल्म ने अपनी धुआंधार कमाई से खत्म कर दिया है। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, फिर भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ने देश भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई कर ली है। जहां दुनिया भर से लोग फिल्म पर भर भर के रिएक्ट कर रहे हैं, वहीं आलिया भट्ट का कहना है कि वो कोई रिव्यू नहीं पढ़ती हैं। उन्हें पसंद ही नहीं है ये जानना कि पहले दिन या आखिरी दिन क्या हो रहा है। फिल्म को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानना शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को ही इसे पढ़ना पसंद नहीं। जहां एक तरफ बीवी आलिया को नहीं पड़ता रिव्यूज से कोई फर्क, तो वहीं पति रणबीर कपूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ फैंस से इंटरेक्ट करने मुंबई के एक थिएटर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ना सिर्फ अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में लोगों से रिव्यूज लिए, बल्कि रणबीर ने फैंस से पूछा कि उन्हें पिक्चर कैसी लगी। ठीक ठाक लगी, रणबीर के पूछने पर फैंस जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। रणबीर कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदी सिनेमा के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। नेशनल सिनेमा दिवस पर हम सब आपको हमारी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। इतना ही नहीं, रणबीर ने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म विक्रम वेधा को देखने के लिए भी फैंस से रिक्वेस्ट कर डाली। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट पर गुरुवार रात ऑर्गेनाइज की गई पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका गोलगप्पा खाती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने अपने इंस्टा स्टोरीज पर एक हिंडोला वीडियो के रूप में तस्वीर पोस्ट की, जो एक क्लिप के साथ शुरू हुई थी। इस वीडियो को उन्होंने हाल ही में पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो अपनी कार में बैठते हुए नजर आ रही हैं और उसके बाद निक जोनस के अलावा कई और दोस्तों की तस्वीरें भी इस वीडियो में नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, एक न्यूयॉर्क नाइट आउट मेरे कुछ पसंदीदा लोगों के साथ। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों न्यूयॉर्क की पावर पैक ट्रिप पर है। अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ समय बिताने के बीच प्रियंका ने अपने पति निक जोनस और अपने दोस्तों के लिए कुछ समय निकाला। उन्होंने अपने न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट सोना में अपने पसंदीदा लोगों के लिए एक रात को होस्ट किया। पलक तिवारी ने हाल ही में अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो बहुत ही गॉर्जियस लुक में नजर आ रही हैं। सीरियसली, पलक तिवारी ने हाल ही में अपना बोल्ड फोटोशूट कराया है। बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाली पलक तिवारी आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। पलक तिवारी को लोग प्यार से बिजली के नाम से पुकारते हैं। आए दिन उनकी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। स्टाइल में भी पलक काफी आगे हैं। उनके फैशन सेंस को काफी लड़कियां फॉलो भी करती हैं। पलक ने हाल ही में सफेद कलर की ड्रेस में शानदार फोटोशूट करवाया है। इन तस्वीरों में उनके बोल्ड अंदाज को देख फैंस भर भर कर कॉमेंट्स कर रहे हैं। लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो रहे हैं। उफ, सो मच हॉटनेस। छोटे पर्दे की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया अब फिल्म हिंदुत्व के जरिए दर्शकों को हिंदुत्व का मतलब बताएंगी। फिल्म हिंदुत्व में सोनारिका भदौरिया एनआरआई सपना का किरदार निभा रही है। सोनारिका ने कहा कि इस फिल्म से पहले मुझे हिंदुत्व के बारे में इतना नहीं पता था कि हिंदुत्व शब्द को लेकर माहौल कितना खराब है। मुझे नहीं पता था कि जब हिंदू अपने आप को हिंदू बोलता है तो उसे कम्युनल कहा जाता है, लेकिन ये फिल्म लोगों को हिंदुत्व के असल मायने समझाएगी। सिनेमा का यही तो कर्तव्य है। मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा अगर हमें एक सही दिशा भी दिखाता है तो इससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं।
सोशल मीडिया पर ग्लैमरस कपड़ों को लेकर सोनारिका भदौरिया को खूब ट्रोल किया जाता है। उस पर सोनारिका का कहना है कि हमारा धर्म ये कहां बताता है कि आपको हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनने हैं। हमारा धर्म कभी किसी पूजा पाठ के लिए भी दबाव नहीं डालता। हमारा धर्म बहुत अच्छा है और यही हमारे धर्म की विशेषता भी है। और आज के लिए बस इतना ही। मंडे फिर होगी आपसे मुलाकात थोड़ी मसालेदार और बहुत सारी चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए मौसम का मजा लीजिए और वीकेंड में अच्छे से एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।